न जाने कितने ही अमेजिंग गन्स को देखा होगा, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर किसी गेम में। पर क्या आप इन स्मार्ट गन्स के बारे में जानते हो जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगे होते हैं और जिनको सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस गन के रियल ओनर हो। आदमी को बस कॉमा ना डालने की वजह से 1.3 करोड़ रुपए देने पड़े। इस आदमी का नाम था एंटनी जैडोविक। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि जिस कंपनी में ये काम करते थे वहाँ पर रिटायरमेंट सैलरी बहुत ज्यादा लेट दे रहे थे और वो इस पोस्ट में कॉमा डालना भूल गए, जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया और फिर उस कंपनी ने इन पर केस कर दिया क्योंकि वो उस कंपनी का नाम खराब कर रहे थे। और फिर केस हारने के बाद उस ऑस्ट्रेलियन आदमी को 1.3 करोड़ रुपए देने पड़े। तक का सबसे बड़ा डिस्कवर्ड मीटोराइट है वो अभी भी उसी जगह मौजूद है जहां वो 80,000 साल पहले गिरा था और ये साल 1920 में नामीबिया में पाया गया था। ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश चल रही थी और इन्होंने बहुत बड़ा सैंडविच बना भी लिया था, लेकिन फिर वहाँ का जो क्राउड था वही सैंडविच को खाने लगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इसको नापते उससे पहले आधे से ज्यादा सैंडविच वहाँ के लोग खा गए थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन ही नहीं पाया। एक बार 1988 में यूए के फॉर्मर रूलर को बहुत तेज गुस्सा आ गया और आप जानकर चौंक जाओगे कि वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि यूए के कई सिटीजन वहाँ रेंट में रहा करते थे। इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उन सारे रेंटर्स को फ्री में फार्मलैंड्स और घर दे दिए। दरिया दिली हो तो ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हो तो आपको जेल जानी पड़ती है। पर इस दुनिया की आयरनी तो यह है कि अगर आप किसी फिजिक्स के लॉ को तोड़ते हो तो आपको जेल नहीं बल्कि नोबेल प्राइज मिलता है। सो ट्राई टू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स, नॉट द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। आपने सोचा है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो आपकी एज मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए और अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी मिनिमम एज 35 साल की होनी चाहिए क्योंकि इन जॉब्स में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। बोलते हैं कि एलियन जैसे कोई भी चीज नहीं होती, तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो पूरे समुद्र में से एक चम्मच ओशन वाटर निकाल कर बोलते हैं कि पूरे ओशन में शार्क जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई शार्क होता तो वो मेरे चम्मच में भी होता। ठीक इसी ओशन जैसा हमारा स्पेस भी है। इसराइल में कम जगह होने की वजह से वहाँ पर कई जगहों पर ऐसी फार्मिंग की जाती है जिसमें बहुत ही ज्यादा कम लैंड की जरूरत पड़ती है। सारे फसलों को भी वर्टिकली लगाया जाता है और ये बिल्कुल आम जमीन पर उगे फसलों जैसा ही होता है। इसे देखो, इस मछली की बॉडी इतनी ज्यादा चमकीली है कि ये बिल्कुल किसी आईने की तरह लगती है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो कई लोगों को लगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन असल में ये मछली एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। ये फिश कॉमनली फ्लोरिडा में मिलती है।